Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala ahlihi wa sahabihi ajmain amabad. आप सारे नन्हे मुन्हे और बड़े व्यूअर्स का मैं इस्तकबाल करता हूँ हमारे प्रोग्राम कलर्स ऑफ इस्लाम। कलर्स ऑफ इस्लाम में हम आज शुरू करते हैं और आप देख रहे हैं कि मेरे सामने एक ग्लोब है और एक टॉर्च है। क्या चीज के लिए है ये यहाँ ग्लोब? क्या चीज के लिए है? टॉर्च क्या चीज के लिए है? ये ग्लोब है एरिया देखने के लिए। यस। और टॉर्च क्यों? ताकि ध्यान से दिखाई दे, ध्यान से देखने के लिए। अच्छा ये टॉर्च है ना, ये एक्चुअली सन के लिए है। हाँ, और आज हम अपने इबादत के सेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं टाइम्स ऑफ सलाह, नमाज के वक्त। सलाह, आप में से कौन बताएगा नमाज दिन में कितनी बार फर्ज? फाइव टाइम्स अ डे। किसने फर्ज किया? अल्लाह ताला ने। किसके लिए फर्ज किया? हम सब के लिए, के पांच टाइम्स दिन में पांच बार नमाज पढ़ना फर्ज है। अच्छा ये बताओ, अगर किसी को हेल्दी एंड स्ट्रांग बनना है तो दिन में कम से कम कितनी टाइम्स खाना खाना चाहिए? मिनिमम कितनी टाइम्स खाना खाएंगे? दिन में पांच टाइम्स खाना खाएंगे मिनिमम। कितनी बार? थ्री। कौन से थ्री? ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। अगर कोई दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाए, सिर्फ एक ही बार, फुल डे हंग्री हंग्री हंग्री, और उसे दिन में एक बार खाना मिले, तो वो स्ट्रॉन्ग बन सकता है? बन सकता है, स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सकता है? वीक हो जाएगा। और अगर फोर फाइव डेज में एक बार खाना दे तो वीक होके कैसा हो सकता है कि बीमार पड़ जाए? हाँ, रमजान में तो सुबह सहरी करते हैं, रात को इफ्तार, तो वो भी टू टाइम्स तो है ही मिनिमम। हाँ, फिर रात को लोग फिर से डिनर खाते हैं, खाना खाते हैं अच्छे से। ओके, देखो कैसा है ना, अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ेगा फाइव टाइम्स अ डे तो वो स्ट्रांग नहीं बन सकता, वो वीक 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 होकर फाइनली उसका ईमान मर जाएगा, हो सकता है। तो फाइव टाइम्स अ डे नमाज पढ़ना कंपल्सरी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? गुनाह होगा। हाँ, अब आप बॉयज माशाल्लाह, आप बच्चे जो है सेवन इयर्स के तो हो गए। हाँ, सेवन इयर्स के होते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कमांड करो, तो सेवन इयर्स के होते हैं तो हुक्म दो उनको नमाज पढ़ने। टेन इयर्स के हो जाए और फिर भी नमाज नहीं पढ़ रहे तो पनिश करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। और जब मैच्योरिटी की एज बुलूगत पे पहुंच जाते, एज ऑफ मैच्योरिटी, उसके बाद तो अकाउंट्स लिखा जाता है कि इसने नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी। एक एक नमाज के बारे में हिसाब होता है, और सबसे पहले कयामत के दिन कौन सी चीज का हिसाब होगा? नमाज। तो चलो अभी हम लोग देखेंगे टाइम्स ऑफ सलाह, दिन में कभी नमाज पढ़नी है। अगर कोई दिन के तीन टाइम के खाने एक साथ में खाना खा ले, ब्रेकफास्ट भी, लंच भी, डिनर भी, सब साथ में खा ले, तो फिर वॉमिट हो जाएगी और थोड़ी देर बाद वॉमिट होगी, और फिर दिन में बाकी टाइम तो भूखा रहना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, अल्लाह ताला ने पांच टाइम नमाज रखी है, वही टाइम पे नमाज पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबा मौकूता। यकीनन श्योरली नमाज मोमिनों पर उसके टाइम पे फिक्स की गई है, उसके उसका टाइम है ना, तभी नमाज पढ़नी चाहिए, उसका टाइम। अच्छा, जानबूझ के वो टाइम छोड़ते हैं ना तो ये क्या है, वो टाइम गया, वो एक इतना बड़ा गुनाह है कि अब वो शख्स देख रहे हाँ नमाज पढ़नी चाहिए। काम आ गया तो काम को क्या करेंगे? साइड पर रख देंगे, नमाज टाइम पे पढ़ेंगे तो अल्लाह काम में भी मदद करेगा, वो काम में अल्लाह ताला मदद करेगा। और क्या होता है कि कोई अगर सोया रह गया, स्लीपिंग, कोई स्लीपिंग है और फिर आंख खुली, हाँ नमाज का टाइम चले गया, तो फिर कब नमाज पढ़नी चाहिए? जैसे उठे वैसे नमाज पढ़ो, सल्ली इज़्ज़तुकस्ता, जब उठे वैसे नमाज पढ़ो, लेकिन उसको सही टाइम पे पढ़ना चाहिए, सही वक्त पे उठना चाहिए, सोए नहीं रहना चाहिए नमाज के टाइम पे। हाँ? कोई कोई लोग रहते अजान की आवाज उन लोग को सुनाई आती तो फिर उन लोग लेजी फील करके जानबूझ के आग बंद कर देते। हाँ, तो वो अल्लाह ताला को तो पता है, फरिश्ते तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ? बाद में करके फाइनली नमाज छूट जाती है। शैतान बोलता है बाद में पढ़ो, बाद में पढ़ो, बाद में पढ़ो,
फिर क्या होता है बाद में करके अब्दुल्ला? नमाज छूट जाती है। हाँ, तो नमाज को उसके टाइम पे पढ़ना चाहिए। अब कौन मुझे बताएगा नमाज का टाइम मालूम कैसे पड़ता है? जैसे अजान होती है, अजान आती है तो पता चलता है। हाँ। अजान जो देते हैं उनको कैसे पता चलता है? टाइम से क्या सही टाइम है उनको कैसे पता चलता है? कोई टाइम है क्या? नहीं है। हा? जैसे जब दिल में आया तब अजान दे सकते हैं, अब मुझे दिल चाहता है अभी दे सकते हैं? नहीं, नहीं। फिर जैसे कि ऐसा मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में फजर के देने का ऐसा मॉर्निंग, फिर थोड़ी सी आफ्टरनून होती है तो 1 o'clock अजान देने का, फिर 4 o'clock हो जाता है तो अजान देने का, फिर 7 o'clock हो जाता है तो अजान देने का, ये जो 4 o'clock, फिर 9 o'clock हो जाता है तो अजान देने का। ओके, लेकिन ये जो टाइम है 4 o'clock 7 o'clock 9 o'clock, ये हर जगह पे सेम टाइम होता है? नहीं, कैसे मालूम आपको? कोई गांव में अलग टाइम रहते हैं, कोई गांव में अलग टाइम होता है, दुबई में अलग टाइम, दुबई में अलग टाइम होता है, दुबई में अलग टाइम होता है, आपको पता है? हाँ, यस, मेरा दुबई गए थे तो वहाँ पे नमाज का टाइम अलग था। हाँ, ओके, तो कैसे मालूम पड़ता है आखिर में? ओके, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपको पता है मोबाइल में एप्स आते हैं? हाँ। मोबाइल के ऐप भी बताता है नमाज का टाइम हो गया, सलातुक और ऐसे अलग अलग ऐप आते हैं, वो टाइम बताते हैं नमाज का टाइम। लेकिन उसको कैसे मालूम पड़ता है नमाज का टाइम? उसी तरह कैलेंडर होते हैं, कैलेंडर में टाइम लिखा होता है नमाज का, देखा है आपने? नमाज का टाइम लिखा होता है फजर, जोहर, असर, मगरिब और ईशा। लेकिन उनको कैसे मालूम पड़ता है नमाज का टाइम? तो आज मैं आपको बता रहा हूँ नमाज का टाइम एक्चुअली टाइम है क्या। हाँ, तो ये है अर्थ और हम लोग रहते हैं जमीन पर, और आपको पता है जमीन है गोल है, यानी कि स्फेरिकल है। हाँ, ये थोड़ा बॉल जैसी दिख रही है। हाँ, ऐसी थोड़ी बहुत सिमिलर ही हमारी जमीन है। अब ये है हमारा इंडिया, कौन बताएगा कहाँ है? ये है इंडिया, ये है इंडिया। हाँ, ओके, अब इंडिया में आप रह रहे हैं, सपोज ये है आप, टिंग, ये है इंडिया। इंडिया में इतने बड़े आप नहीं, आप तो है बहुत स्मॉल, कितने डॉट जितने स्मॉल है कि उससे भी स्मॉल है। अरे हमारा बॉम्बे सिटी देखो, डॉट जैसा बॉम्बे सिटी दिख रहा है, इतना छोटा सा बॉम्बे देखो, तो ये इतने बड़े आप कैसे हो सकते हैं? हाँ, लेकिन चलो हम लोगों को मार्किंग चाहिए, तो ये है आप। हाँ, ओके, अब ये है आप। अब आपको नमाज का टाइम कैसे मालूम पड़े? तो हमें सन चाहिए, क्योंकि नमाज का टाइम पूरा सन पे डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है? सन। अच्छा ये बताइए, सन जो है और अर्थ, ये है सन, तो अर्थ गोल 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 घूम रहा है, जब अर्थ दूसरी साइड पे आ जाता है तो तभी डे होती है, नाइट होता है? नाइट। हाँ, नाइट। जब दूसरी साइड पे है तो सन दिख रहा है अभी? नहीं दिख रहा है। अब देखिए, अगर यहाँ पे लाइट नहीं होती तो फुल डार्क होता वहां पे, फुल डार्क, क्योंकि वहां सन नहीं है। हाँ, हाँ। लेकिन यहाँ पे जब यह यहाँ पे होता है तब सन है सामने। हाँ, तो डे है। अब डे के अंदर ये जो सन पे डिपेंड है हमारे नमाज के टाइम, किस पे डिपेंड है? सन के ऊपर। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे रात चल रही है, रात रात गुजरती 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 है, अब आप आ रहे हैं सन की तरफ, अब रात गुजर रही है, आप देख रहे हैं सन है यहाँ पर, अब आप सन की तरफ बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे, देख रहे हो सन अभी कहाँ है? इंडिया से दूर है, दिख रहा है अब्दुल्ला? इंडिया से दूर है। अब देखो इंडिया आ रहा है सन की तरफ, सन किस साइड से आ रहा है? ईस्ट से। हाँ, क्योंकि सन वेस्ट से राइज होता है कि ईस्ट से राइज होता है? ईस्ट। सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। अभी सनराइज हुआ है नहीं हुआ है? अब सन कहाँ है? अभी भी सन वहां पे दूसरी साइड पे है, यहाँ पर कहाँ पर है? फिलीपींस के साइड पर है। हाँ, अब अर्थ रोटेट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, अभी तक सन आया वहां पे? नहीं आया, लेकिन जब इतना आ जाता है ना तो सन की लाइट आना शुरू हो जाती है। अभी तक सन होराइजन से नीचे है, अभी तक सन राइज नहीं हुआ है, लेकिन सन की लाइट आना शुरू हो जाता है, हल्की हल्की लाइट, इसे कहते हैं डॉन, इसे कहते हैं डॉन। डॉन को कहते हैं सुबह सादिक, सुबह सादिक, सुबह सादिक का मतलब क्या है? सनराइज हो गया? हाँ। नहीं, नहीं। सनराइज नहीं हुआ,
लेकिन सन की लाइट थोड़ी आनी शुरू हो जाती है, जिसे ट्वाइलाइट कहते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? ट्वाइलाइट। आप अगर देखोगे तो ये सन की लाइट आनी शुरू कब होती है? जब 6:30 बजते। नहीं, अलग अलग टाइम पे आती है अलग अलग जगहों पर। कभी साल भर में भी सेम टाइम नहीं होता है, साल में भी टाइम चेंज होता रहता है। हाँ, इसे इंग्लिश में ट्वाइलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट यानी कि लाइट पूरी आई नहीं है, उससे पहले की जो लाइट होती है उसको ट्वाइलाइट बोलते हैं। तो मतलब सन राइज हुआ है, नहीं हुआ है? सन अभी होराइजन होता है ना, उससे नीचे है। आप अगर यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं ना, तो अभी तक सन दिख रहा नहीं है, लेकिन सन की थोड़ी लाइट आनी शुरू हो जाती है। और वो चीज जो होराइजन पर, मतलब होराइजन किसे बोलते हैं मालूम है? जहाँ पे जमीन फ्लैट है और जहाँ से सन राइज होता हुआ दिखता है, उसे क्या कहते हैं? होराइजन। होराइजन पे सन दिखाई देता है। हाँ, सन राइज से पहले ही लेकिन लाइट आनी शुरू हो जाती है, उसके अराउंड 1 आवर से ज्यादा। हाँ, तो वो जो लाइट आनी शुरू हो जाती है उसको क्या कहते हैं? ट्वाइलाइट। ओके, अभी सुनो, आप सनराइज नहीं हुआ, उससे पहले का जो टाइम है जब एक लाइन दिखाई देती है लाइट की, एक लाइन। हाँ, जब वो लाइन आ जाती है ना, तो फजर की नमाज का वक्त हो गया। हाँ, और फजर का वक्त कब तक चलेगा, कौन बताएगा? हाँ, नहीं, टाइम मैं बताया कि साल भर में भी टाइम चेंज होता रहता है, जगह जगह पर भी टाइम चेंज होता है। हाँ बताओ। अगर थोड़ी सी और आगे तो वो खत्म हो गया। नहीं, जब सन राइज होना शुरू होता है, एक्चुअल सन राइज, देखो जब सन की राइज, देखो आप देख रहे हो। हाँ। ये मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप देख रहे हो यहाँ पे ना। हाँ। ये गोल दिख रहा है। हाँ। ये देखो अब्दुल्ला, मैं तुम्हें उस साइड पे बताता हूँ। देखो एक चीज देखो। हाँ। ये गोल दिख रहा है। हाँ, हाँ। ये सन है। हाँ। सपोज, और ये जो देख रहे हो दूसरी लाइट जो आ रही है, ये उससे पहले की लाइट हो गई। हाँ, यानी सन आने से पहले उसकी लाइट आनी शुरू हो जाती है। अब देखो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये लाइट आनी शुरू हो गई, पहले वाली लाइट, ये क्या है? सन से पहले की लाइट। और वो जो बड़ी लाइट जो आ रही है ना, अब ये सनराइज होना शुरू हुआ। सनराइज होना स्टार्ट होता है तो फजर की नमाज का टाइम फिनिश, उतने टाइम में नमाज पढ़नी है। ओके, इंशाल्लाह। फिर सनराइज हो गया, अब सब लोग काम करने, सुबह होती है, काम करना शुरू किए, लेकिन बढ़ते 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 फाइनली सन आ जाता है बिल्कुल ओवरहेड। सन आ जाता है बिल्कुल, मतलब सर के ऊपर, आपके सर के ऊपर सन है। हाँ? हाँ। जब बिल्कुल ओवर हेड आता है, यानी कि शैडो होता है, आप तुमने शैडो देखा है आपने? हाँ, 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 हाँ? देखो। हाँ, हाँ। ये है आप। हाँ? हाँ? अब मैं ये इसको कर रहा हूं। ये देखो, ये सन जब राइज हुआ ना, तब शैडो कितना होता है? बड़ा लंबा सा शैडो होता है। लेकिन सन जब ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो शैडो देखो शॉर्ट हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है। देखो दिख रहा है शैडो कहाँ तक है? कौन बताएगा कहाँ तक है? पकड़ो जरा उसको, ये शॉर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे ऊपर आ गया जब, तो शैडो बिल्कुल शॉर्ट हो गया। दिख रहा है शैडो कितना है? अभी पूरा अभी नीचे, पाँव के नीचे आ गया शैडो। जब शैडो सबसे स्मॉल हो जाता है ना, तो उसके बाद स्टार्ट होता है। जब ओवर हो गया, ऊपर आ गया, तो वो टाइम पे नमाज पढ़ना मना है। मालूम है आपको, तीन टाइम पे नमाज पढ़ना मना है। जब सन राइज हो रहा होता है, जब सन एकदम ओवरहेड आ जाता है, और जब सन सेट हो रहा होता है, तो नमाज पढ़ना मना है। लेकिन ऊपर आने के बाद जब सन, और जैसे शैडो स्टार्ट हुआ, ऊपर से सन हटा, जोहर की नमाज का वक्त शुरू। जोहर की नमाज का टाइम शुरू। कब शुरू होता है? जब सन ओवरहेड आ गया, ओवरहेड से थोड़ा सा भी मूव हो गया ना, तो जोहर की नमाज का टाइम शुरू। जब एकदम बिल्कुल टॉप पर है, तो तभी नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं। तभी नमाज पढ़ना मना है। कब मना है? जब सन बिल्कुल ऊपर होता है और शैडो बिल्कुल पांव के नीचे आ गया, तब नमाज पढ़ना मना है। लेकिन जब वहां से थोड़ा सा भी हिल गया, तो जोहर की नमाज का टाइम स्टार्ट। स्टार्ट मिक्स मत करो, हाँ स्टार्ट। ओके, कब स्टार्ट हुआ? क्या चीज से हटा? ओवरहेड से हट गया। ओके, अब उसके बाद सन आ रहा है यहाँ पर। हाँ, तो आप देख रहे हो अभी दूसरी तरफ शैडो आना शुरू हुआ। दिख रहा है शैडो? पकड़ो शैडो को। इधर पे कितना शैडो है? अभी जोहर की नमाज का टाइम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। आप ये पेंसिल की हाइट देख रहे हो? और अगर पकड़ो ये अब्दुल्ला, सन को पकड़ो।
अगर शैडो और उसकी हाइट, ये है शैडो और ये है पेंसिल, जब ये दोनों की हाइट इक्वल हो जाती है तभी असर की नमाज का टाइम शुरू होता है और जोहर की नमाज का टाइम फिनिश हो जाता है। कब फिनिश होता है? जब शैडो और ये इक्वल। लेकिन अगर जवाल में थोड़ा सा शैडो था तो कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि वो जवाल का जो शैडो है उसके बाद एक शैडो लेना होता है। मतलब जवाल में कभी कभार है ना पांव के नीचे बिल्कुल सन नहीं आता है, शैडो नहीं आता है, थोड़ा सा शैडो बाकी रहता है, तो जवाल के शैडो के ऊपर एक शैडो। हाँ अच्छा, अभी उसके बाद यहां से कौन सी नमाज का वक्त स्टार्ट हुआ? असर की नमाज का टाइम स्टार्ट हुआ। असर की नमाज का टाइम जब सन थोड़ा सा मिडिल में आ गया है, देख रहे हैं आप। अच्छा, कुछ उलमा कहते हैं कि जब शैडो डबल होता है तब असर का वक्त शुरू होता है और फिर जाके जब सन सेट हो गया, सन सेट होने के बाद मगरिब की नमाज का टाइम शुरू होता है। हाँ, जब सन, अब ये सन था, सन सेट हो गया, लेकिन सन सेट होता है वैसे ही लाइट जब स्विच ऑफ होती है तो लाइट खत्म हो जाती है। सन सेट होते ही पूरा डार्क हो जाता है। नहीं नहीं, थोड़ा सा लाइट बाकी रहती है, लाइट बाकी रहती है, फिर ऐसा 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 होके फिर डार्क हो जाता है। हाँ, तो वो जो टाइम है ना जब डार्क पूरा नहीं हुआ है वो टाइम है मगरिब का टाइम। जैसे ही फुल डार्क हो जाएगा वैसे ही इशा का टाइम शुरू होगा। हाँ, समझ गए आप? हाँ, देखो जी, ये है शैडो, आप देख रहे हैं, और ये दो शैडो दिख रहे हैं आपको, एक मेन लाइट का शैडो, एक दूसरा शैडो आया हुआ है। ये दूसरा जो है ना शैडो नहीं, यानी दूसरी लाइट जो आई हुई हल्की लाइट है, यहाँ तक मगरिब का टाइम शुरू होता है। मगरिब का टाइम सनसेट से शुरू होता है और जब तक ये लाइट खत्म होती है, फुल डार्कनेस शुरू होती है, वहां पे मगरिब का टाइम फिनिश हो जाता है। ओके, इशा के टाइम शुरू होता है। इशा का टाइम कब तक है पता है आपको? इशा का टाइम मिडनाइट तक है, मिडनाइट आधी रात। और अगर कभी मजबूरी हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो बाद में फजर तक नमाज पढ़ सकते हैं वो। लेकिन सही तरीका है, सही वक्त कब है? मिडनाइट तक। ये टाइम कैसे हमें पता चले मालूम है आपको? सही बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील आए, खुद फरिश्ते, फरिश्तों के सरदार, वो अल्लाह ताला ने उनको भेजा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, उनको भेजा कि सलाह का टाइम सिखाओ, तो जिब्रील ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ाई। हाँ, दो दिन आए और दो दिन आके नमाज पढ़ाई, उससे हमें सलाह का टाइम पता चलता है। हम अब देखेंगे हमारा अगला सेक्शन, और वो अगला सेक्शन है आदाब, एटिकेट्स, मैनर्स। और आज हम देखने वाले मैनर्स ऑफ गोइंग टू द मस्जिद एंड कमिंग आउट फ्रॉम द मस्जिद, मस्जिद जाने और मस्जिद में से निकलने के आदाब, एटिकेट्स, मैनर्स। आप में से जो कोई, जब कभी हम सब मस्जिद जाए तो मस्जिद जाने के भी कुछ एटिकेट होता है और निकलने का भी कोई तरीका होता है। आप बताओगे? रुकिए, पहला सवाल ये कि मस्जिद जो है वो एक अच्छी जगह है या नहीं है? अच्छी जगह। सबसे अच्छी जगह जमीन पर मस्जिद है, सबसे अच्छी जगह। तो मस्जिद जो है वो बेस्ट जगह है, और जो बेस्ट जगह में हम जाते हैं तो कौन सा लेग अंदर लेंगे पहले? राइट। राइट लेग फर्स्ट, फिर कौन सा लेग? लेफ्ट। पहले कौन सा? राइट। और जब बाहर निकलेंगे तब कौन से लेग से बाहर निकलेंगे? तब लेफ्ट से। ये याद रहेगा इंशाल्लाह। कौन से लेग से इनसाइड जाएंगे मस्जिद में? राइट लेग। एंड कम आउट विथ विच लेग? लेफ्ट लेग। इजी। हाँ, यस बताओ। अगर अगर मस्जिद मस्जिद के अंदर जाए तो दुआ पढ़कर जाए, और बाहर निकले तो दुआ पढ़कर। वेरी गुड, माशाल्लाह। मस्जिद के अंदर जाएंगे तो एक बहुत प्यारी सी दुआ है, बहुत ब्यूटीफुल दुआ है, वो दुआ पढ़नी चाहिए। हाँ, और मस्जिद से निकलते हैं तो भी एक दुआ है, पढ़ना चाहिए। मस्जिद जाने की दुआ क्या है? मस्जिद में एंटर होने की दुआ, अल्लाहुम्मफ्तहली अबवाब रहमतिक, ऐ अल्लाह खोल दे मेरे लिए तेरे रहमत के दरवाजे। हाँ, तेरे रहमत के दरवाजे मेरे लिए खोल दे। अल्लाह ताला की रहमत अगर मिल गई एक इंसान को तो बहुत बड़ा फायदा होगा। आपको अल्लाह की रहमत चाहिए नहीं चाहिए? इंशाल्लाह सबको चाहिए। अगर अल्लाह की रहमत मिल गई, घर में रहमत आ गई अल्लाह की, तो सबके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत आ जाएगी। अगर सेहत में अल्लाह की रहमत हुई तो सेहतमंद रहेंगे, बिजनेस में अल्लाह की रहमत हुई तो बिजनेस भी अच्छा कामयाब होगा। दुनिया में भी रहमत चाहिए और
آخرت میں بھی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے ہمیں. ہاں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اللہ کھول دے تیرے رحمت کے دروازے. دروازہ نہیں دیا, دروازے. دروازے کھول دے میرے لیے. کتنی پیاری دعا ہے. کب پڑھتے ہیں یہ؟ جب داخل ہوتے ہیں تب دعا پڑھتے ہیں. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور جب باہر نکلتے ہیں تو دوسری بہت پیاری دعا پڑھتے ہیں. ہاں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہم دعا پڑھیں مسجد سے نکلتے ٹائم, اللہم انی اسالک من فضلک. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرا فضل. تو اللہ کا جو فضل ہے نا, اللہ کا جو احسان ہے, وہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. اللہ کا فضل ہوتا کیا ہے؟ اسلام نے یہ سکھایا کہ نماز بھی پڑھنا ہے اور کام بھی کرنا ہے. ایسا نہیں کہ دن بھر جنگل میں چلے جاؤ اور بولے میں دن بھر صرف نماز ہی نماز پڑھوں گا اور کچھ کام ہی نہیں کروں گا. نہیں, تو کام بھی کرنا ہے. تو جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو دعا کر رہے ہیں, اللہم انی اسالک من فضلک. اے اللہ میں تیرا فضل مانگتا ہوں, تیرے فضل میں سے مانگتا ہوں تجھ سے. تو ہم اللہ کا فضل مانگ رہے ہیں, مطلب اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ رہے ہیں کہ اب میں کام پہ جا رہا ہوں, جو کام کروں گا اللہ اس کے اندر مدد کر دے. اور نماز جب پڑھتے ہیں جماعت سے اور نکلتے ہیں اور اللہ سے اللہ کا فضل مانگتے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے, الحمدللہ. تو ہم نے آج مسجد میں جانے کی دعا سیکھی. کیا ہے وہ دعا؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. آپ سب بھی مسجد میں جاتے ٹائم اور نکلتے ٹائم یہ سنت پر بھی عمل کریں گے, سیدھے لیگ سے اندر الٹے پاؤں سے باہر, اور جاتے وقت دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک, نکلتے ٹائم پر دعا اللہم انی اسالک من فضلک. اور بھی دعائیں ہیں جو مسجد میں جاتے ٹائم ثابت ہے, نکلتے ٹائم ثابت ہے, اور بھی ثابت ہے. مسجد کی طرف چلتے ہوئے جاتے ہیں تو بھی دعا ہے, لیکن آج ہم آسان رکھ رہے ہیں بچوں کے لیے اور آج کے لیے صرف اتنا سیکھ رہے ہیں. اور یقیناً علم کا سلسلہ, علم کے راستے پر چلنا ہے کنٹینیوسلی, سیکھتے رہنا ہے کنٹینیوسلی, علم حاصل کرتے رہنا اور علم پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ. تو چند باتیں ہم نے آج کے اس پروگرام میں دیکھا. پھر ملیں گے, دیکھتے رہیں گے, سیکھتے رہیں گے. جڑتے رہیے ہمارے ساتھ پروگرام کلرز آف اسلام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.